पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय उड़ीसा ब्रांच से, महाराष्ट्र ब्रांच से, इस समय परमेश्वर जो भी समय पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं, मैं इसी समय इन ब्रांचों की तरफ हाथ करके प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर तू आजाद करा, गुड न्यूज देने यीशु मसीह के नाम में, बड़ी ब्लेसिंग दे परमेश्वर जो ग्रीस से और जो इसी समय लाली अकेले के लिंक ना भेजा कर किसी को, और इसी समय मॉरिशियस में, हांगकॉन्ग में, जर्मनी में, फ्रांस में, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी जो इस समय कर्नाटक से देख रहे हैं, हैदराबाद से देख रहे हैं, आंध्र से देख रहे हैं, गुजरात से, नागपुर से, मैं सब ब्रांचों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। संभाल का ब्रांच इसी समय अपने हाथों को उठाऊँ शाबाश, मोगा ब्रांच अपने हाथों को उठाऊँ शाबाश, मैं देख रहा हूँ आपको इसी समय, फाजिल का ब्रांच, रतिया ब्रांच, फरीदाबाद ब्रांच, और इसी समय पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर इसराइल ब्रांच, पुणे, अंधेरी ब्रांच, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। जब एक नबी आपसे बात कर रहा है तो खड़े होकर आदर करना है। ब्रांच ब्रांच में बात कर रहा हूँ, ब्रांच में, हेड ऑफिस में नहीं। अपने हाथों को उठाओ शाबाश, आपके लिए प्रेयर हो रही है, अब आपके लिए प्रेयर हो रही है। जो पवित्र आत्मा ब्रांचों से देख रहे हैं, नागपुर से, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, और उसी समय परमेश्वर राजपुरा पटियाला ब्रांच से देख रहे हैं, उठ जाओ, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर राजपुरा ब्रांच, और उसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है, कह रहा है कि जो ब्रांचों में हर संडे जाते हैं, अब आपका टाइम आ गया है भले काम को देखने का, परमेश्वर की भलाई को देखने का। आप जो लगातार आप 3 हफ्ते परमेश्वर की भलाई को देखेंगे इस साल में, परमेश्वर भलाई करने के लिए जा रहा है आपके साथ, ये 100 दिन आपके लिए भलाई के दिन होंगे यीशु मसीह के नाम में। ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, फिजी ब्रांच, यूएसए ब्रांच, और इसी समय परमेश्वर कनाडा में, ग्रीस में, इसी समय जर्मनी में, पवित्र आत्मा न्यूजीलैंड में, जहां भी लोग ब्रांचें खुलवा रहे हैं, अमृतसर ब्रांच, कपूरथला ब्रांच, और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर गुरदासपुर धारीवाल ब्रांच, पवित्र आत्मा भटिंडा, और इसी समय मेरे पिता परमेश्वर जम्मू ब्रांच में, पिता परमेश्वर फिरोजपुर फाजिलका ब्रांच में ब्लेसिंग को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। जो नेपाल ब्रांच से देख रहे हैं इसी समय गुड न्यूज आने पाए, जो इसी समय दोहा कतर से, पाकिस्तान से, क्या परमेश्वर कहीं से भी देख रहे हैं, गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। जो हर संडे ब्रांचों में जाते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि वो लोग तरक्की करेंगे। कुछ लोग ब्रांचों में सिर्फ इसलिए जाते हैं, कहते हैं हम तो घर बैठकर देख लेंगे। आपको नहीं पता दाऊद कहाँ गया, गढ़ में। अगर आप वचन को नहीं जानते तो स्क्रीन पर रहना, अभी नीति वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, नीति वचन 18, हाँ उसका जल्दी से, उसका 10 और 13 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा नीति वचन 18:10 पढ़ो, देखो क्या लिखा, जल्दी से कोई जन निकाल लो अपनी बाइबल। हाँ हाँ, नीति वचन 18:10 पढ़ो, देखो क्या लिखा, दुबई ब्रांच, मॉरिशियस ब्रांच, आशीष खुल रही है आपकी। हाँ हाँ पढ़ो, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उससे भागकर सब दुर्घटनाओं से बचाता है, बचता है, सॉरी, धर्मी उससे दुर्घटना से, बीमारी से, कर्जे से कैसे बचता है, कहता है जब वो परमेश्वर भाग कर परमेश्वर के गढ़ में चला जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के चर्च में आना पसंद नहीं करते, ब्रांचों में, मैं कह रहा हूं वो बचते नहीं है, बचते नहीं है, आप समझ रहे हैं। आपको अगर आप मोबाइल लेकर भी घर पे बैठे हैं तो भी बच रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि ज्यादा ब्लेसिंग वहां पर है जब आप ब्रांच में बैठे हैं। समझ रहे हैं, इसलिए हम जगह जगह पवित्र आत्मा के दर्शन के अनुसार से ब्रांचें खोल रहे हैं। जो उस ब्रांचों में जाता है उन व्यक्ति को पूछो, उसके दड़ा दड़ काम खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी बनेगी, लेकिन परमेश्वर आपको चेक करता है। आज का वचन ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। जो ब्रांचों में खड़े हैं समय, जिनके नाम PNRG HSKLV से, आप दिसंबर से पहले इतना पैसा कमाएंगे कि आप एक दुकान खरीद लेंगे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज, फेवर हो रहा है, परमेश्वर आपको दे रहा है।
यीशु मसीह के नाम में आप शांति को देखेंगे, ब्लेसिंग को देखेंगे, रास्ते खुलेंगे अब से यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन आपके लिए वो डोर खोलने वाला, एक नहीं सात डोर खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बैठ जाएं अपने स्थान पर, परमेश्वर।